हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में आपको जीएसटी का न्यू रिटर्न सिस्टम जो है उसके अलग अलग फॉर्म्स किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्म है वो जीएसटी RET-01 नॉर्मल है। ये फॉर्म जो लार्ज टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर लास्ट प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए RET-01 नॉर्मल मंथली फाइल करना है उनको। उसके बाद RET-01 नॉर्मल जो है वो उन लोगों के लिए भी है जो लोग 5 करोड़ से कम उनका टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में बट वो क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं, तो वो लोग RET-01 नॉर्मल भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद GST RET-02 है जिसे सहज का नाम दिया गया है। इसके अंदर वो लोग सहज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लास्ट प्रीवियस ईयर में और वो केवल B2C सप्लाई करते हैं और RCM की सर्विसेज लेते हैं जिनके ऊपर RCM एप्लीकेबल है, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है। वो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं RET-02 जो कि सहज फॉर्म है। एक थर्ड फॉर्म है GST RET-03 जो कि सुगम कहा जाता है। वो सुगम जो फॉर्म है वो क्वार्टरली बेसिस ही फाइल करना है और वो उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो B2C भी सप्लाई करते हैं और B2B भी सप्लाई करते हैं और उनके ऊपर RCM एप्लीकेबल होता है चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। तो इस तरह की 3 कैटेगरी इनको बांटी गई हैं। तो ये नया सिस्टम है, 3 तरह का रिटर्न सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं सहज या सुगम तो आपको कुछ कॉलम्स हाइड हो जाएंगे, उन कॉलमों को डिटेल को आपको नहीं फिल करना है। जो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, डीम्ड सप्लाई करते हैं, तो इन केसेस में आपको सहज और सुगम सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इन फॉर्म्स में वो कॉलम नहीं आएंगे, आपको नॉर्मल RET-01 फाइल करना है। इसके साथ साथ इसी रिटर्न का जो पार्ट है GST ANX 1 जो कि आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जिसके अंदर जाएगी। इस फॉर्म की एक और ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल तो इसके साथ साथ जाएगी लेकिन RCM में जो लाइबिलिटी आपकी बनती है वो डिटेल भी इसी फॉर्म में जाएगी। तो ANX 1 में दोनों डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर बात आती है ANX 2 की जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। ऑटो पॉपुलेट क्या होगा, जो GST ANX 1 लोगों ने फाइल किया है सप्लायर्स ने उससे ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा फिल कर लेगा वो इसके अंदर। इसके साथ साथ GSTR 5 से जो डाटा बनता है और GSTR 6 से जो डाटा बन के आता है वो भी इसके अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। इस फॉर्म को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप एक्शन ले सकते हो, या तो आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो या उसको पेंडिंग छोड़ सकते हो। तो ये एक सिस्टम पूरा ड्राफ्ट किया गया है जिसके थ्रू आप प्रॉपर क्रेडिट इनवॉइस का ट्रैक करके ले सकते हैं। अभी तक जो क्रेडिट 3B में लिया जाता था वो मैच नहीं किया जाता था, उसके लिए अलग से रिकंसिलेशन बनाना पड़ता था, लेकिन अभी ये जो नया सिस्टम आ रहा है इसमें इनवॉइसेस मैच होंगे तभी आपको क्रेडिट अलाउड होगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। अदर क्रेडिट आपको प्रोविजनली अलाउड किया जाएगा। डिटेल में समझाने के लिए आपके लिए लाइव डेमो लेकर आएंगे, जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु।